गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हुमिंता भारद्वाज आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ ईएसआर टेस्ट के बारे में। ईएसआर टेस्ट कैसे किया जाता है और इसके मेथड क्या होते हैं। सबसे पहले जानते हैं ईएसआर का फुल फॉर्म, इथ्रोशैड शेड इमिटेशन रेट। तो ईएसआर दो मेथड से लगाए जाते हैं। फर्स्ट मेथड विंड्रॉप, सेकेंड मेथड वेस्टर्न ग्रेन। मैं जो टेस्ट लगाऊंगी वो वेस्टर्न ग्रेन मेथड से लगाऊंगी। ये सर किसी प्रकार के इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन में बढ़ जाता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, वजन का कम होना, खांसी जुखाम या बुखार, जोड़ों में दर्द। जैसे इन्फेक्शन कम होता है ये सर नॉर्मल वैल्यू पे आ जाता है, नॉर्मल रेंज में आ जाता है। और मैं होल ब्लड से ये सर टेस्ट लगाऊंगी। चलिए मैं टेस्ट लगा के दिखाती हूँ। टेस्ट लगाने से पहले आपको बताना चाहूँगी, जो लोग मेरे वीडियो पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं ये सर टेस्ट लगाना। ये होल ब्लड है, ये पिपेट, ये 0 से 180 तक होता है, इसमें नंबर डले हुए होते हैं। अब मैं इसको लगाऊंगी टेस्ट। आप ध्यान से देखिए कैसे लगा रही हूँ मैं। ये मैं पिपेट इसमें डालूंगी वायल में और ये देखिए ब्लड शक कर लिया। मैं इसको 1 घंटे के लिए बिल्कुल स्टेट रखूंगी। 1 घंटे में मैं रिजल्ट चेक करूंगी। मैं टाइमर स्टार्ट कर दूंगी 1 घंटे का। ये सर का नॉर्मल रेंज मेल में 0 से 15 होता है और फीमेल में 0 से 20 मिलीमीटर पर आवर होता है। 1 घंटा हो गया है, रिजल्ट चेक करती हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा ब्लड है वो नीचे हो गया है और प्लाज्मा ऊपर हो गया है। ये नीचे जो है वो आरबीसी है और ऊपर है ये प्लाज्मा है। तो ये 80 नंबर पे आ रहा है, तो 80 mm पर आवर इसका रिजल्ट होगा। ऊपर की साइड से काउंट करेंगे तो ऊपर से ये 80 नंबर पे आ रहा है जहाँ पे ब्लड रुका हुआ है। फाइनली हमारा रिजल्ट 80 mm पर आवर है।